बिहार सिविल कोड का डिक्टेशन स्टार्ट होगा, जिसका स्पीड है 60 WPM और स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बल की विभिन्न समयों में विभिन्न संस्कृतियों से निर्मित बहुरूपता भी प्रदर्शित करता है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और इनकी संबंध शाखाओं को हमारी संस्कृति को सुरक्षा उपाय के इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत की साख वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके साथ लोगों की आशाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। लोग न केवल प्राथमिक आवश्यकताओं की मांग कर रहे हैं, बल्कि पुरातत्वीय स्थलों पर अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का विस्तार भी चाहते हैं। भारत के अधिक जनसंख्या वाले शहरों और शहरी केंद्रों में कोई न कोई सांस्कृतिक महत्ता का केंद्र है। उदाहरण के लिए नई दिल्ली में अनेक राष्ट्रीय महत्ता वाले पुरातत्वीय स्थल हैं। यह सांस्कृतिक स्थलों के सुरक्षोपाय और समकालीन अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के मध्य द्वंद्व को इंगित करता है। इन विरोधाभासी हितों में मिलान हेतु विभिन्न विभागों को कार्य स्वतंत्रता के साथ प्रभावी समन्वय तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण के साथ सहयोग की आवश्यकता है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा केंद्र को सिफारिशें देने से पूर्व पुरातत्वीय दृश्यक और धरोहर प्रभाव आकलन एक नवाचारी उपाय है, ताकि दो विरोधी आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों की अनुपलब्धता के बाद ही मान्यता प्राप्त स्थलों के भीतर लोक कार्यों और आवश्यक परियोजनाओं को मान्यता देना इसे स्थल के भीतर अवसंरचना विकास हेतु अंतिम विकल्प बनाता है। तथापि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अवसंरचना, लोक कार्यों इत्यादि जैसी परिभाषाओं के संबंध में और अधिक स्पष्ट रहे, ताकि इस मिलान प्रक्रिया में अधिनियम के उपबंधों को लागू करते समय अस्पष्टता कम की जा सके। मैं विभागों के अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि दुरुपयोग को कम करने और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने के लिए संशोधन की
विषय वस्तु को बनाए रखने में अधिक संवेदनशील रहे। समाप्त।